अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि किसी वेक्टर के कंपोनेंट का मतलब क्या है। ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर मींस इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन मीन्स के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, कि एक वेक्टर का कितना हिस्सा किसी एक एक्सिस की तरफ है। मिसाल के तौर पर एक वेक्टर का कितना हिस्सा एक्स एक्सिस की तरफ है, कितना हिस्सा इसका वाई एक्सिस की तरफ है। द कॉम्पोनेंट ऑफ ए वैक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज इट्स हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट, एंड द कॉम्पोनेंट ऑफ ए वैक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस इज नोन एज इट्स वर्टिकल कॉम्पोनेंट। ए वैक्टर मे हैव एनी नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स। एक वैक्टर के कई सारे कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं, बट ओनली टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए वैक्टर विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए वैक्टर। यानी एक वैक्टर के बहुत सारे जुज्व हो सकते हैं, लेकिन एक वैक्टर के दो ऐसे जुज्व जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हों, दे आर नोन एज रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए वैक्टर। यानी एक वैक्टर के दो ऐसे जुज्व जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हों। वी कैन ईजीली रिजॉल्व ए वैक्टर इन टू इट्स रिक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। हम किसी वैक्टर को बड़ी आसानी से उसके दो ऐसे अज्जा में रिजॉल्व कर सकते हैं जो कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हों। सपोज there is a vector A represented by line OP making an angle theta with x-axis just like this. This is vector A represented by line OP and making an angle theta with x-axis. x-axis के साथ इसका angle क्या है? Theta. In order to resolve this vector into its rectangular components, draw projection OM of vector OP on x-axis. बेटा देखें कि ये इस वेक्टर की x-axis पर प्रोजेक्शन है, यानी OM वेक्टर OP की प्रोजेक्शन है along x-axis। और ये कैसे बनी कि अगर हम पॉइंट P से एक्स एक्सिस पर पी एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ड्रॉ प्रोजेक्शन ओ एम ऑफ वेक्टर ओ पी ऑन एक्स एक्सिस एंड प्रोजेक्शन ओ एन ऑफ वेक्टर ओ पी अलोंग वाई एक्सिस बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर पी एम ऑन एक्स एक्सिस एंड पी एन ऑन वाई एक्सिस। बेटा देखें कि जब आपने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया पी एम ऑन एक्स एक्सिस, तो ये प्रोजेक्शन बन गई इस वेक्टर की जो कि एक्स एक्सिस के अलांग थी, और जब आपने यहाँ से वाई एक्सिस पर पी एन परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये वाली ओ एन प्रोजेक्शन बन गई। अब वेक्टर ए का वो हिस्सा जो एक्स एक्सिस के अलांग है वो ए एक्स आई, और जो y एक्सिस के लॉन्ग है वो ए वाई जे के बराबर है। प्रोजेक्शन ओ एम अलॉन्ग x एक्सिस एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स आई, यानी इसके साथ इसको जाहिर कर दिया। एंड प्रोजेक्शन ओ एन अलॉन्ग y एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वाई जे। यानी वेक्टर ए का वो हिस्सा जो x एक्सिस की तरफ है That is represented by ए एक्स आई, और जो y एक्सिस की तरफ है is represented by ए वाई जे बाय हेड टू टेल रूल ऑफ वैक्टर्स एडिशन।
वेक्टरों की जमा का हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करते हुए हमारे पास जो वेक्टर ए है दैट इज सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, के वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। कि ये जो वेक्टर ए है इसके दो पार्ट्स बन गए ए एक्स आई एंड ए वाई जे। ये देखें कि ये वेक्टर है ए विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ पी मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस वेक्टर ड्रा प्रोजेक्शन ओ एम ऑफ वेक्टर ओ पी, के हमने ओ पी की प्रोजेक्शन ओ एम ड्रा की ऑन एक्स एक्सिस बाय ड्राइंग ए परपेंडिकुलर पी एम ऑन एक्स एक्सिस, एंड सिमिलरली ड्रा प्रोजेक्शन ओ एन ऑफ वैक्टर ओ पी ऑन वाई एक्सिस बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर पी एन ऑन वाई एक्सिस। इस तरह ये वैक्टर ए है और इसके दो पार्ट्स बन गए ए एक्स आई विच इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड ए वाई जे विच इज अलॉन्ग y एक्सिस। और यूजिंग हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, क्योंकि ये वाला कॉम्पोनेंट और ये वाला कॉम्पोनेंट दोनों बराबर हैं, पी एम जो है ये ए वाई जे के बराबर है, तो हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर्स एडिशन अगर अप्लाई करें तो ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। Thus, A x I and A y j are the components of vector A, since these are at right angle to each other, and hence they are called as rectangular components of a vector A, considering the right angled triangle OMP. बेटा देखें कि हमारे पास ये एक triangle है OMP। अब ज़रा थोड़ा सा अपना प्रीवियस नॉलेज जो है वो अप्लाई करें कि इस ट्राइंगल में ओ एम पी, दिस इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और ओ पी इज़ अ हाइपोटेन्यूज। आपको पता है कि परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये बराबर होता है कॉस थीटा के, तो ए एक्स बेस है, ए जो है ये इसका हाइपोटेन्यूज है, तो ए एक्स ओवर ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो देन ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, एंड सिमिलरली परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बराबर होता है साइन थीटा के, ए वाई ओवर ए इज इक्वल टू साइन थीटा, सो ए वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। In this way, we can resolve a vector into its rectangular component. अब हमने जो vector उसके rectangular components में resolve कर लिया था, ये वाला vector A making an angle theta represented by line O P, ये perpendicular है on x axis और यहाँ पर perpendicular था on y axis। अगर हम इस वेक्टर को गौर से देखें तो इस वेक्टर का वो हिस्सा विच इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज ए कॉस थीटा, एंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए विच इज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस इज ए साइन थीटा। और इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये कि हाउ वी कैन डिटरमाइन अ वेक्टर व्हेन इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर गिवन। अगर एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हों तो हम उन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करके वेक्टर जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। इफ ए एक्स एंड ए वाई आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, एडिंग दीज वेक्टर्स यूजिंग हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर्स एडिशन। बेटा देखें कि आपके पास ये वाला कंपोनेंट पहले दिया गया है ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा,
वर्टिकल कंपोनेंट दिया गया है ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये वाला हिस्सा कहलाएगा ए एक्स, ये वाला हिस्सा ए वाई। आपने इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया यूजिंग हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर्स एडिशन, तो दिस इज इक्वल टू ए वाई एंड दिस इज इक्वल टू ए एक्स, ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो स्क्वेयर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ बेस प्लस परपेंडिकुलर, तो आपका जो ओ पी है वो ए के बराबर है, ओ एम जो है वो ए एक्स के बराबर है और एम पी जो है वो ए वाई के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, ओ पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वेयर प्लस एम पी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर इज गिवन बाय, दोनों तरफ का अगर हम स्क्वेयर रूट ले लें तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये होगा ए एक्स का स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर अंडर द रूट, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पहले से दी गई हैं एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज गिवन बाय टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स। इन दिस वे वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हुज रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स आर गिवन। बेटा उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, अगर मज़ीद कोई इसका पॉइंट पेंडिंग हो और आप इसको ना समझ सके हों तो आप जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो है वो मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं ताकि उसका आंसर दिया जा सके। मैं ये समझता हूँ कि इस हिस्से में दो चीज़ें मिसिंग हैं, एक तो हमें लिखना चाहिए था कि ए एक्स ओवर ए इज इक्वल टू कॉस थीटा देन ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, सेकेंडली यहाँ पे ये लिखना चाहिए था कि ए वाई ओवर ए इज इक्वल टू साइन थीटा देन ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, आप लोग इन नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ें, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए और अगर कोई कमी वगैरह रह जाए तो आप अपने कमेंट में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप ये वाला लाजमी मेंशन करें कि सर इसमें ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ ऐड करें, ये पिक्चर जो है ये बुक से ली गई है और ये वाली पिक्चर जो है ये नेट से ली गई है, कोशिश करेंगे ये वाली पिक्चर भी नेट से ली गई है और आप लोग इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। ये सवाल कई दफ़ा पेपर में आ चुका है कि हाउ वी कैन रिजॉल्व ए वेक्टर इनटू इट्स रिक्टेंगुलर कंपोनेंट, हाउ वी कैन डिटरमाइन वेक्टर व्हेन इट्स रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर गिवन। और अगर आप लोग ये चाहेंगे कि ये वाली जो टेक्स्ट है हम इसको सेव करें और आप लोगों के लिए नोट्स की फॉर्म में अवेलेबल हो तो ये इंशाल्लाह सेव करेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से इसका जो है वो प्रिंट निकलवा कर आपके लिए इसका वो भी बनवाया जा सकता है, नोट्स बनाए जा सकते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग ये बात समझ गए होंगे कि एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और वो ही रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। इसके अलावा कई सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं लेकिन वो रिक्टेंगुलर नहीं होते। ये दोनों ही टॉपिक एक दूसरे का उल्ट है। पहले हिस्से में ये है कि हम वेक्टर के दो कंपोनेंट्स विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर कैसे बनाएंगे और दूसरे में ये है कि अगर वो पहले दिए हुए हैं तो उन दिए हुए कंपोनेंट से हम वेक्टर कैसे हासिल करेंगे। इसको आप गौर से पढ़िएगा, अपनी बुक को भी कंसल्ट करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।